हेलो दोस्तों, बिहार ने अपने पहले रणजी मुकाबले में आज अरुणाचल प्रदेश को धमाकेदार तरीके से हराया है। पहले इनिंग्स में बिहार के गेंदबाजों ने 212 रनों पर अरुणाचल प्रदेश को रोक दिया था। 212 रनों पर ऑल आउट करने के बाद बिहार की टीम ने अपने बल्लेबाजी में जिस तरीके से धांसू प्रदर्शन किया और शानदार गेंदबाजी से किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की इस टीम को बड़ी मात दी है, इस बारे में बताएंगे दोस्तों। गाइस, आपको बता दूं कि बाबुल कुमार की अनुपस्थिति में जब बाबुल कुमार को यहां पर स्क्वाड में टीम में शामिल नहीं किया गया था तो लगा था कि बिहार की जो टीम है वो निश्चित तौर पे पहले ही मुकाबले से काफ़ी खराब प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन इसके बावजूद, चूँकि बाबुल कुमार टीम में नहीं थे, टीम थोड़ी कमज़ोर लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश को बिहार के खिलाफ जो हार मिली है, निश्चित तौर पर बिहार के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने काबिले तारीफ प्रदर्शन किया है। पहले इनिंग्स में बिहार के गेंदबाजों ने 212 रनों पर अरुणाचल प्रदेश को ऑल आउट किया। उसके बाद बिहार ने अपने पहले इनिंग्स में अधिराज जोहरी और सचिन कुमार सिंह की कमाल की बल्लेबाजी से 517 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। अधिराज ने 118 रन बनाए और सचिन कुमार सिंह ने 198 गेंदों पर 17 चौके और 3 शानदार छक्कों की बदौलत 156 रनों की शानदार पारी खेली। गानी ने भी 66 रन बनाए। आपको बता दूं कि अपने दूसरे इनिंग्स में अरुणाचल प्रदेश की टीम महज 84 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैच को बिहार ने पारी और 221 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पहले इनिंग्स में आशुतोष अमन ने बिहार के लिए सबसे ज़्यादा 4 विकेट चटकाए थे। वहीं दूसरे इनिंग्स में बिहार के लिए मलयराज ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। अरुणाचल प्रदेश के लिए एकमात्र बल्लेबाज एक अर्धशतक लगा पाया, बाकी सभी बल्लेबाज लगातार इस मुकाबले में संघर्ष करते हुए नजर आए। बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के लिए अखिलेश सहनी ने अर्धशतक जमाया था। खराब बल्लेबाजी और लचर गेंदबाजी लगातार अरुणाचल प्रदेश की टीम की तरफ से देखने को मिला और यही उनके हार की बड़ी वजह रही। सचिन सिंह ने जिस धांसू अंदाज में बल्लेबाजी की, उम्मीद करते हैं कि आने वाले मुकाबलों में भी वह टीम को ऐसे ही धमाकेदार इनिंग्स खेलकर जीत तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी सचिन सिंह को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिए और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं रणजी ट्रॉफी से या फिर अन्य बीसीसीआई टूर्नामेंट से, उसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।